Hello everyone, this is Khushant Walia and you are watching me on Just Showbiz. हेलो एंड वेलकम टू जस्ट शोबिज। आज के इस एक्सक्लूसिव चैट सेशन में हम बात करने वाले हैं शो वो तो है अलबेला के यश यानी कि खुशवंत वालिया से, जो रिवील करेंगे कि शो के अपकमिंग एपिसोड्स में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। बेसिकली ये हो गया है कि रश्मि की कुछ बातें हैं जो कुसुम को पसंद नहीं आई है और कुसुम फाइनली सोचती है कि वो हमारे से छोटी है, अगर कुछ मनमुटाव है भी तो सॉरी बोल के सॉल्व कर देना चाहिए, बट रश्मि वैसा नहीं करती और समवेयर इस चीज़ में नकुल भी उसे सपोर्ट करता है और कुसुम की बात अब सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है कि नहीं, मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ और मुझे भी उतनी सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितने सबको मिल रही है, मुझे भी उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितने सबको मिल रही है, तो अगर मुझे नहीं मिल रही तो आई टेक अ डिसीजन टू गो आउट एंड स्टे विद माई हस्बैंड। करेक्ट। हाँ एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं होगा बिकॉज यश उसको बोल के जाते कि भले से मैं घर से जा रहा हूँ बट आई एम ऑलवेज देयर विथ यू इन योर बैटल एंड ऑलवेज देयर, यू नो जो भी हमें विक्रांत के बारे में पता करना है। तो हाँ एक टाइम पे यश उस डिलेमा में ज़रूर आ जाता है जब कुसुम पहली बार ये बात सबके सामने बोलती है या रूम में भी हमारा जो सीन गया तो एक डिलेमा में आ जाते हैं कि हाउ विल आई बी विथ काना बिकॉज दिस इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बट फिर उसे बात समझ में आती है कि नहीं यार, बाहर रह के भी हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं और इस वक्त पर इस मुकाम पर आई थिंक मुझे मेरी वाइफ कुसुम का भी साथ देना होगा विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, सी फैमिली मेंबर्स आर इन्वॉल्व, अगर आप देखो तो इन बिटवीन एक सीन आते रहते हैं जहाँ पे हम हाँ जी हाँ तो बेसिकली ऑफकोर्स विक्रांत इज़ अ न्यू कैरेक्टर एंड ही इज़ वन ऑफ द एंटागनिस्ट ऑफ द शो विथ रश्मि, तो एक होगा यू नो एक नई स्टोरी है लीप के बाद है तो डेफिनेटली एक वहाँ पे एक स्टोरी का एक रुख वहाँ ज़रूर बदला। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे कि घर के भी इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं हम सब लोगों के वो भी हिले हुए हैं तो दिस स्टोरी विल ऑल्सो लाइक साइमल्टेनियसली पैरेलली अनफोल्ड। जैसे आज आपने देखा होगा कि लीप के बाद पहली बार कुसुम का ये रूप सबके सामने बाहर आया कि शी इज़ नॉट रेडी टू टेक थिंग्स और वो घर छोड़कर चले जाती, तो एक पहला हमने वो दरार दिखाई फैमिली में। देन हम दिखाने वाले कि कैसे रश्मि और नकुल के बीच में भी कुछ ना कुछ चल रहा है, इज जस्ट दैट नकुल उस वजह से काना के साथ बहुत उखड़ा हुआ भी है। तो हर कैरेक्टर के हर इंटरपर्सनल स्किल में कुछ ना कुछ एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में एक दरार आ चुकी है जो इवेंचुअली विच आई थिंक एज एन एक्टर एंड एज प्लेइंग दिस कैरेक्टर ऑफ यश जो आगे जाके धीरे धीरे सॉल्व होंगी आने वाले एपिसोड्स में। थैंक यू, टेक केयर। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को सब्सक्राइब करिए।